अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं। तो अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, तो आज जुम्मा है, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। तो आज मेरे घर में भी बहुत सब कुछ खास खास बनाई हूँ, क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया, इसकी खुशी में है ना। मैं आज पुलाव बनाई हूँ और चिकन बनाई हूँ, अभी मुझे बनाना है खीर। तो टाइम भी हो रहा है, 2 हो रहा है टाइम, इसकी वजह से दूध गिर सब निकाल के रखी हूँ। अभी बनाऊँगी थोड़ा सा मीठा। और आप सभी का दिल से दिल से दिल से शुक्रिया, इसके बारे में मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी। थोड़ा इमोशन हूँ, क्योंकि मुझे मैं सोची भी नहीं थी कि मेरी इतना जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर, इतना जल्दी मतलब 1.5-2 साल होने के आ गया, लेकिन सब्सक्राइबर होंगे मैं ऐसा भी नहीं सोची थी। इस टॉपिक में मैं कल एक नया वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए अभी मैं बनाऊंगी थोड़ा सा मीठा, मतलब खीर ही बनाऊंगी, दूसरा कुछ नहीं। तो चलिए ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। खीर बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ और थोड़ा सा घी डाली हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं था, ज़्यादा ही था। तो ड्राई फ्रूट्स में है ना, मैं काजू और जो तरबूज के बीज रहते हैं वो डाली थी, क्योंकि मेरे पास बादाम डालने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उसे कट करना था, उसका छिलका निकालना था, इसकी वजह से। और थोड़ी सी खसखस थी तो वो भी डाल दी थी, बहुत अच्छी लगती है मुँह में। तो यहाँ पर थोड़े सा मैं इसको फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। अभी मैं दूध डाल दूँगी इसी में, तो बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, थोड़ी थोड़ी ही बना रही थी ना, तो एक आधे लीटर की ही बनाई थी मैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दूध भी डाल चुकी हूँ, और दूध है ना फ्रिज में रखने की वजह से आइस बन गया था, तो मैं उसे फोड़ कर डाल रही थी। और थोड़ा सा पानी भी उस पैकेट में हिला के डाल दूँगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से दूध खौलने लगा है, तो मैं अभी चीनी भी डालूँगी, और वैसे भी थोड़ा सा मुझे ये पका पका के क्वान्टिटी कम करनी है, क्योंकि टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं शक्कर डाली हूँ, और मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं और थोड़ी शक्कर डाली हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। तो अभी एक बार इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। और सेवियाँ है ना, पहले से ही फ्राई करे हुए सेवियाँ हैं ये, तो मार्केट में मिल जाते हैं यहाँ पे इजीली, तो मैं वही लेके आई थी, तो रमज़ान के ही सेवियाँ थे। हाँ, मैं इलायची डालने के बगैर है ना, इसमें वेनीला एसेंस डाली थी थोड़ा, 2 बूंद, तो अच्छी खुशबू आती है इसमें, इलायची से भी अच्छी खुशबू मेरी लाइसेंस में आती है। तो चलिए यहाँ पे अभी सेवियाँ भी डालेंगे और 5 मिनट पकाएंगे, रख देंगे। मैं क्या कर, तो जी तैयार हो चुकी हूँ। तो बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी हूँ, तो ये साड़ी मेरी शादी की साड़ी है, तो बहुत दिनों के बाद वेयर करी हूँ, अच्छा लग रहा है। तो आज जुमा भी है और मेरा 1K कम्प्लीट हो गया, इसकी वजह से साड़ी भी पहनी हूँ और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। तो सब खीर गिर बन चुकी है, अभी वेट है मेरे हस्बैंड का आने का। तो अभी वो आने का टाइम भी हो गया, अभी आ रहे भी हो गए, रास्ते में ही होंगे। तो आने के बाद कुछ सरप्राइज दूंगी, उनको पता नहीं है कि मैं आज खीर बनाई हूँ और साड़ी भी पहनी हूँ, मतलब नाइटी और ड्रेस में ही रहती हूँ, ज़्यादातर नाइटी में ही रहती हूँ मैं। तो आज सरप्राइज देंगे उनका, तो चलो दिखाऊंगी मैं आपको सरप्राइज भी। ओ, बहुत खुश होते हैं, उनको साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि साड़ी पहनो, तो मुझे साड़ी पहन के काम करना बहुत मुश्किल मुश्किल लगता है, अच्छा नहीं लगता। काम पूरा ख़त्म करने के बाद मैं साड़ी पहन लेती हूँ, ऐसा है मेरा। तो अच्छा सरप्राइज देंगे, क्या बोलते हैं देखेंगे, दिखाऊंगी भी मैं आपका उनका रिएक्शन, अच्छा लगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी, ऐसा भी रहता है, क्योंकि नहीं बोलूंगी। चलो तो चलिए ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। और मैं आज बहुत 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 खुश हूँ आज, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर तो हो जा रहे थे, पता नहीं किसको पेट में दर्द था, पता नहीं उनको खुशी मिल रही थी, क्योंकि एक निकाल रहे थे एक डाल रहे थे, एक निकाल रहे थे एक डाल रहे थे, ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी माशाल्लाह 1,004 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कोई भी 2 निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1,000 तो रहेंगे, ये खुशी है मुझे। क्योंकि मैं इसके लिए अलग से ही ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में बहुत 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 कुछ यहाँ तक आके बैठा है, जो जो लोग मुझे कुछ बहुत सारा बोल रहे थे ना, वो सब मैं फोड़ दूंगी एक बार, आज के ही ब्लॉग में बताऊंगी, या तो कल एक एक्स्ट्रा ब्लॉग डालूंगी मैं इसके लिए, क्योंकि मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ इसकी वजह से, आपको दिख रही होगी मेरी खुशी भी है ना।
प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, ये भी मैं बात बता देती हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे फेम चाहिए था, मुझे कुछ जरूर ये चाहिए था, मुझे भी 1,000 लोग, 1,000 मतलब मुझे भी कुछ लोग जाने, ऐसा था। मैं सच में पैसे की आस नहीं है मुझे, मुझे ऐसा पैसा चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं है मेरे में, मुझे सिर्फ मेरे बारे में लोग जानना था, ये इसके वजह से मैं बनाई यूट्यूब। सब मैं आगे के एक वीडियो में बताऊंगी, सब एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत 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 कुछ बोला है। तो चलिए, आज मेरा घर सब साफ हो गया, आज मैं भी इससे बना क्या ये ट्राइपॉड से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड से बनाते हैं ना तब अच्छा आता है, फेस एंगल सब कुछ अच्छा आता है, जो हाथ से बनाते हैं ना उतना खास नहीं लगता। तो माशाल्लाह, चलिए मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट में बताना, तो ऐसे ही बने रहना, उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी। अभी मैं हाँ और एक कुछ चीज़ बोल रही हूँ, मैं कुछ और एक लेके आई थी, मैं बताई नहीं, वो भी बताऊंगी, चलिए रिएक्शन देखेंगे पहले। तुझे आ गए क्या बना क्या। तो जी फाइनली वेट करते करते ये भी आ गए, अभी देखे होंगे रिएक्शन, उनको साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ पता नहीं। तो चलिए अभी अम्मा जी, तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाऊंगी मैं खाने में क्या क्या बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना। तो यहाँ पे है खीर, खीर में थोड़ा दूध कम हो गया लेकिन मस्त बनी है खीर। और यहाँ पर है गोश्त का सालन, और यहाँ पर है चावल, यहाँ पर है बर्तन, जितना चाहिए उतना डाल के खा लेंगे। तो देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह। सबसे पहले है ना मैं आप लोगों को खीर खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वजह से, आपके बदौलत मेरे आज 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। तो लीजिए आन करिए, बिस्मिल्लाह बोल के खा लीजिए। तो बहुत टेस्टी बनी है इंशाल्लाह, कुछ बोल रही थी जाने दो, तो बहुत बहुत जबरदस्त बनी है। तो अभी खा लेंगे, खाने के बाद फिर से मिलूंगी आपसे, तो तब तक के लिए ऐसे ही बने रहना। चलो सलाह, तुझे फाइनली हमारा खाना पानी हो गया, और स्वीट भी बहुत अच्छा बना था और सब कुछ अच्छा अच्छा बना था। तो खाना खाने के बाद सुस्त हो गया, अब थोड़े एक आधे घंटे के लिए एक नींद मारूंगी अभी, तो ऐसा है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर से एक बार दिल से शुक्रिया आप लोगों का मुझे 1K सब्सक्राइब करने के लिए, तो दिल से आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए कल एक अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी, और मुझे भी याद रखना। तो चलिए बाय बाय।